Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों इस लेक्चर श्रृंखला में हम लोग आधुनिक भारत के ऊपर केंद्रित इतिहास लेखन के बदलते प्रवृत्तियों रुझानों की बात करते आ रहे हैं इसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए आज हम लोग बात करेंगे खास तौर पर श्रमिक वर्ग से संबंधित जो इतिहास लेखन रहा है भारत में उस पर और यह कई मायनों में जो इतिहास लेखन है इससे हमारा संवाद करना इसकी बारीकियों को समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है खासकर इतिहास के अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से और यदि मोटे तौर पर कहें तो हर विषय में लिटरेचर रिव्यू एक अहम पक्ष होता है इसके ज़रिए दरअसल हम कई बातों को दोहराने से बच जाते हैं हमें इस बात का इल्म होता है कि कोई विषय किस तरह से समय के साथ अपने सरोकारों में अपने प्रश्नों में बदलाव लाता रहा है और इन सब मुद्दों को लेकर जब हम बात करें तो इसका सीधा असर खासकर इतिहास के संदर्भ में कहें तो इस बात पर पड़ता है कि आगे आने वाली पीढ़ियां किस तरह से ऐतिहासिक सवालों को उठाए किन नए ऐतिहासिक साक्ष्यों को सामने लाए किस तरह से नई दृष्टियों को हमारे सामने लाए तो यह जो एक ज्ञान वांग्मय की गंगा है इसके प्रवाह के लिए भी इतिहास लेखन की बारीकियों को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है और इसलिए इस श्रृंखला में हम लोग इतिहास लेखन पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते आ रहे हैं तो इसी सिलसिला में आज हम लोग बात करेंगे श्रमिक वर्ग के इतिहास के ऊपर खासकर आधुनिक भारत के संदर्भ में तो हम लोग इस चर्चा को शुरू करते हुए कुछ भूमिका के तौर पर एक पृष्ठभूमि के तौर पर यदि हम देखें तो हाल के दस दशकों में श्रमिक वर्ग के इतिहास को लेकर श्रमिक वर्ग के ऊपर अकादमिक बौद्धिक चिंताओं को लेकर बहुत आमूल परिवर्तन आए हैं और इसका इसकी जड़ें एक तरह से कहें तो 1990 के दशक की तरफ हमें ले जाती है जब एक तरफ़ तो ग्लोबलाइजेशन और उदारवाद का दौर शुरू हुआ था और उस दौर में बहुत शुरू में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई इतिहासकारों ने इस बात की मानो एक घोषणा से कर दी कि श्रमिक वर्ग का इतिहास पतनशील हो चुका है जो जाहिर सी बात है हम अभी देखेंगे इस लेक्चर में कि कितनी खोखली थी या कि कितनी एक तरफा थी लेकिन इस तरह के जो अकादमिक विवाद होते हैं उसकी अपनी अहमियत भी होती है वह हमें प्रभोग करती है इतिहास लेखन के तरफ हमें वापस पुनर्दृष्टि देने की ज़रूरत को महसूस होते है, होता है वह ज़रूरत महसूस होता है कि हम फिर से एक समग्र आकलन करें और कुछ नए सवाल कुछ नए सरोकार इनकी तरफ भी ऐसे विवाद इशारा करते हैं वहाँ से मानो एक नया रास्ता सा खुलता है तो जब इस तरह की बातें हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक वर्ग के इतिहास को लेकर उसका भी अब दो तीन दशक हो चुका है तो इन दो तीन दशकों में भी बहुत सारे मानीखेज परिवर्तन हुए हैं बहुत बदलाव हुए हैं जिसने ऐसे बदलाव जिसने हमारी सोच सोच को इस इतिहास के प्रति हमारी दृष्टि को बहुत पहना किया है तो ये सब के साथ हम वापस पुराने दशकों में भी जाएंगे, पुरानी थाती जो श्रमिक वर्ग के इतिहास लेखन की है उस पर भी एक समग्र दृष्टि देने का प्रयास करेंगे अच्छा यहाँ शुरू में ही मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो इतिहास लेखन की बदलती प्रवृत्तियां हैं इन पर दो तरह से बातें हो सकती हैं एक तो हम विवरणात्मक हो सकते हैं डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं दूसरा हम एनालिटिकल हो सकते हैं विवेचनात्मक हो सकते हैं दोनों की अपनी अहमियत है लेकिन साथ ही मेरे लिए यह स्पष्ट कर देना जरूरी है यहाँ कि इस श्रृंखला में मेरा यह भरसक कोशिश रहा है कि विवरणात्मक और विवेचनात्मक दोनों के बीच एक सम्यक एक संतुलन बनाने की कोशिश की जाए जिससे आप शोधार्थियों विद्यार्थियों का अधिक से अधिक लाभ हो सके तो ये एक तरह से एक ओवरव्यू देने की कोशिश है लेकिन साथ ही कुछ जो थ्रेड्स होंगे कुछ एनालिटिकल जो आस्पेक्ट्स होंगे उनकी तरफ भी मैं साथ साथ इशारा करते चलूँगा जिससे आप अपनी रुचि और अपने महत्व के दृष्टि से आप आगे भी उन मुद्दों पर गहरी छानबीन कर सकते हैं तो ये एक बैलेंस्ड ओवरव्यू की ज़रूरत मैंने महसूस की है और जो फीडबैक मुझे स्टूडेंट कम्युनिटी से मिलता रहा है उसमें भी इस तरह की के एक्सरसाइज की अहमियत पर बल दिया गया है लोगों ने लोगों के बीच इसकी ज़रूरत महसूस की गई है खासकर विद्यार्थियों और शोधार्थियों के बीच तो ये शुरुआती कुछ बातें हैं अब इस तरह के जो भूमिका के बाद यहाँ यह भी एक साथ में कुछ डिसजॉइंटेड रूप से ही लेकिन इसकी चर्चा कर देनी कर देना जरूरी लगता है कि 1990 के दशक जिसकी बात मैं कर रहा था वहां से जो बदलाव आए तो उसमें हम दो तरह के बदलाव आ, मोटे तौर पर देखते हैं एक तो नए सवाल उभर कर आए जो जाहिर सी बात है जिसकी बात हम करेंगे लेकिन दूसरी बात दूसरा परिवर्तन जिसको रेखांकित करने की ज़रूरत है वह यह कि श्रमिक वर्ग का इतिहास जो यूरोप और अमेरिका केंद्रित रहा था उसका धरातल अब बदल रहा था और यह अब उत्तरी गोलार्ध विकसित देशों के समाज से बदलकर दक्षिणी गोलार्ध के देशों जिसे अक्सर हम ग्लोबल साउथ के नाम से भी हम यह लिखते हैं लिखते हैं वहाँ के देश चाहे वे दक्षिण एशियाई देश हों भारत का संदर्भ हो या फिर दक्षिण अमेरिकाई अमेरिका के देश हों दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक संदर्भों की बात हो तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से अब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ विकसित से तथाकथित पिछड़े या अल्प विकसित समाज औद्योगिक से औद्योगिक औद्योगिकरण के रास्ते में अग्रसर समाज इनकी तरफ यह इतिहास लेखन बड़े तौर पर परिवर्तित होता चला गया है तो यह एक वैश्विक संदर्भ है और दूसरी बात जो मैंने कही इतिहास लेखन के इस श्रृंखला में मेरी जो अपनी जिन मुद्दों को मैं अहमियत दे रहा हूं उसके बारे में दो शब्द मैं आपके सामने रखना चाहता था अच्छा यहाँ एक और बात जो 1990 के दशक के बाद से हम देखते रहे हैं वह यह कि श्रमिक वर्ग का इतिहास जब दक्षिण के देशों और दक्षिण के समाज की तरफ रुख अख्तियार कर रहा है तो बहुत से जो पुराने समय में पहले के इतिहास लेखन में जिन बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया था वह अहम भूमिका में अब सामने आने लगा जिसमें माइग्रेशन मोबिलिटी औपचारिक और अनौपचारिक श्रमिक वर्ग के बीच के विभाजन रेखा को प्रश्नांकित करना आदि अहम है साथ ही जो पूरा विमर्श पहले स्वतंत्र पुरुष श्रमिक वर्ग पर केंद्रित था फ्री मेल लेबर फ्री मेल वर्किंग क्लास पर केंद्रित था वह भी अब प्रश्नांकित होता चला गया महिलाओं की हिस्सेदारी इस इतिहास में देखने की अहमियत पर बल दिया जाने लगा फ्री और अनफ्री के बीच की जो रेखा है वह हमें महसूस होता गया कि वह बहुत झीनी रेखा है उसके बीच बहुत सारे विरोधाभास अंतर क्रियाएँ रही हैं तो इन सब बातों ने एक अहम मोड़ दिया श्रमिक वर्ग के इतिहास को इन पिछले तीन दशकों में इसलिए जो हमारा प्रस्थान बिंदु था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जा रहा था कि श्रमिक वर्ग का इतिहास पतनशील हो चुका है वह गिरावट की ओर पतनोन्मुख है वह तो सीधे सीधे खारिज हो जाता है और इसी को एक समग्र दृष्टि देते हुए इस प्रस्तावना के साथ हम अपनी बात शुरू करेंगे आज की चर्चा में यहाँ एक और बात है कि भारतीय संदर्भों में आने से पहले मैं यहाँ अपने कुछ दोस्तों के सहूलियत के लिए कुछ कम से कम दो महत्वपूर्ण नाम ऐसे इतिहासकारों का नाम लेना चाहता हूं वैश्विक दृष्टि से जिन्होंने श्रमिक वर्ग को लेकर श्रमिक वर्ग के इतिहास को लेकर हमारे सोच को अनेक रूपों में प्रभावित किया है और इनकी, इनके इनके लेख इनके इनकी पुस्तकें इनका हस्तक्षेप एक तरह से कह सकते हैं कि मील का पत्थर है यह इसलिए भी कि और जिन हस्तक्षेपों की ओर मैं इशारा कर रहा हूं वह हमें 1960 के दशक की तरफ ले जाता है इससे पहले और इसके बाद भी श्रमिक वर्ग का इतिहास मोटे तौर पर आर्थिक इतिहास का ही हिस्सा रहा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ईपी थॉमसन और एरिक हॉप्सबॉम सरीखे विद्वानों ने इतिहासकारों ने श्रमिक वर्ग के इतिहास लेखन में सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों की अहमियत पर हमारा ध्यान आकर्षित किया और जो श्रमिक वर्ग है वह महज एक आर्थिक यूनिट की तरह हमारे सामने अब नहीं आता है उसके सामाजिक सरोकार उसकी जीवन पद्धति उसकी मान्यताएं, यह सब हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि आर्थिक पक्ष तो ई e. थॉमसन की जब हम बात करते हैं उनकी महत्वपूर्ण किताब द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास जो उन्नीस में आई जिसमें उन्होंने 18वीं सदी और कुछ हद तक 19वीं सदी के भी इंग्लैंड के संदर्भ में उन्होंने इस इतिहास को लिखा है फिर उनके लेखों का संग्रह जो उन्नीस में कस्टम्स इन कॉमन शीर्षक से आया तो जो भी शोधार्थी जो विद्यार्थी श्रमिक वर्ग के इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं आगे और शोध करना चाहते हैं इन दो पुस्तकों को जरूर देखें और द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास में ईपी e. थॉम्सन बहुत शुरू में ही दूसरे पन्ने पर ही कहते हैं कि वर्ग अर्थात क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वह जितना आर्थिक है उतना ही यह एक सांस्कृतिक संकल्पना भी है तो ये एक बड़ा बदलाव हम पाते हैं जिसके आगे अनेक महत्वपूर्ण परिणाम हुए जिन पर हम चर्चा करेंगे भारतीय संदर्भों में भी तो ये शुरू में ही मैं कुछ मोटी बातों को रेखांकित करते हुए आगे आप लोगों के साथ यह सफ़र आरंभ करता हूं इसी तरह इरिक होब्सबॉम के लेखों का संग्रह जो 1964 में आया शीर्षक था लेबरिंग मैन स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ लेबर यहाँ भी सामाजिक इतिहास के संदर्भों में श्रमिक इतिहास को श्रमिक वर्ग के इतिहास को देखने की कोशिश है खास तौर से मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा भारतीय संदर्भों में बात करना है लेकिन जो एक बहुत अहम हस्तक्षेप हम देखते हैं हॉप्स के लेखों में कि वहाँ श्रमिक वर्ग के इतिहास में संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल जो एस्पेक्ट्स हैं उनसे परे जाने की कोशिश की जा रही है जो वर्किंग क्लास मूवमेंट है उसके हिस्ट्री से आगे जाने की भी कोशिश हो रही है तो ये दो महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता था अब इस भूमिका के साथ हम चलते हैं भारतीय संदर्भों में और पाते हैं कि भारत में श्रमिक वर्ग को लेकर जो जिज्ञासाएं बौद्धिक जिज्ञासाएं वह 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो जाती हैं पंद्रह साल सोलह साल पहले 1830 के दशक में स्लेवरी को गैरकानूनी माना जा चुका था लेकिन औपनिवेशिक संदर्भों में हम देखते हैं कि एक नए, नए किस्म की श्रम व्यवस्था अब आकार लेने लगी थी जो कि प्लांटेशन केंद्रित थी दो तरह के प्लांटेशंस इकोनॉमी इस समय हमारे सामने आने लगते हैं एक तो भारत में चाय और कॉफ़ी के बगानों के संदर्भ में प्लांटेशन इकोनॉमी की बात और वहाँ के श्रम के मुद्दे और दूसरा ओवरसीज जो प्लांटेशन इकोनॉमी है खासकर मॉरीशस, फिजी, गयाना आदि जगहों पर तो वहाँ भारत से मजदूरों को ले जाया जाता था और प्लांटेशन जिसे बाद में हम इंडेंजर्ड लेबर फोर्स के रूप में जिसका अध्ययन करते हैं और अप्रवासी मजदूरों के इस इतिहास पर हम अलग से विस्तार से भी चर्चा करेंगे लेकिन यहाँ इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि भारतीय संदर्भों में श्रमिक वर्ग को लेकर जो आरंभिक जो जिज्ञासाएं हैं वो इसी पृष्ठभूमि में हमारे सामने आती हैं यह रिपोर्ट के रूप में हमारे सामने आती है जिसमें मुख्य रूप से जो सरोकार था वह औपनिवेशिक राज्य का सरोकार था जहाँ श्रम की आपूर्ति अबाधित रूप से हो वह अहम केंद्र था इन रिपोर्टों का इन अध्ययनों का और 1845 में मॉरिसस के संदर्भ में हम इस रिपोर्ट को पाते हैं ऐसे रिपोर्ट को पाते हैं 1883 में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में कॉलोनियल से कोलोनियल इमिग्रेशन के ऊपर एक बड़ा विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया गया तो इस अनेक ये महज मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि हमें आगे अभी बहुत बढ़ना है तो जो सरोकार था वह वह श्रमिक वर्ग के को कम पैसा मिल रहा था कम मजदूरी मिल रहा था या उनके काम करने की अवस्था बहुत दयनीय थी उनका शोषण हो रहा था यह इन रिपोर्ट का मुद्दा उतना नहीं था जितना यह था कि किस तरह से उस श्रमिक वर्ग को समझा जाए जिससे कि एक कंटिन्यूस फ्लो उनके सप्लाई को सुनिश्चित किया जाए उस उस बाबत पॉलिसी बनाए जाए तो यह आरंभिक रुझान था लेकिन इन्हीं रिपोर्ट्स में हम एक नेटिव लेवर के कॉन्सेप्ट का भी उदय देखते हैं और यह जो नेटिव लेबर का कॉन्सेप्ट उस समय आकार ले रहा था यह जाहिर सी बात है कि यूरोप का जो लेबर फोर्स था का जो श्रमिक वर्ग था उससे बहुत भिन्न विपरीत कह सकते हैं प्रकृति वाला था यह जो नेटिव लेबर फोर्स था वहाँ बात की गई कि यह इमोबाइल है यह अल्पकालिक रोजगार के लिए इच्छुक है यह बार बार अपने ग्रामीण परिवेश में लौटकर कृषि की ओर लौटकर आना चाहता है और यह जो नेटिव लेबर की के प्रकृति की यह जो कुछ दो तीन आधारभूत विशेषताएं वहाँ हम देखते हैं यह दृश्य अदृश्य सीधे या परोक्ष रूप में अगले सौ डेढ़ सौ साल तक श्रमिक वर्ग के इतिहास या श्रमिक वर्ग के अध्ययन में एक तरह से कह सकते हैं कि एक सैडो ओवर आर्चिंग कॉन्सेप्ट के रूप में एक स्टीरियोटाइप के रूप में बना रहा तो इस कारण से भी हम जब श्रम श्रमिक वर्ग के इतिहास लेखन की बात करें तो हमें वापस उन्नीसवीं सदी के उस दौर की तरफ अपने को मोड़ना होगा और इन रिपोर्ट्स की जांच पड़ताल करनी होगी कि वहाँ किस तरह से किस तरह की मान्यताएं किस तरह की संकल्पनाएं हमारे सामने आ रही थी उन्नीसवीं सदी का उत्तरार्ध का यह दौर दूसरी तरफ राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों की तरफ भी हमें ले जाता है जहाँ हम शशिपात बनर्जी जो ब्रह्म समाज सम ब्रह्म समाजी थे या बंगाल में या फिर नारायण मेघाजी लोखंडे इनके हस्तक्षेप इनके लेख पाते हैं जो श्रमिकों के दयनीय इन्हीं प्लांटेशन लेबरर्स के दयनीय अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं साथ ही हमें रामकुमार विद्यारत्न मिलते हैं जो असम के टी प्लांटेशंस में वहाँ जाकर वहाँ के मजदूरों की दशा दिशा उनकी अवस्था को कुली कहानी के रूप में वो हमारे सामने लाते हैं दूसरी तरफ द्वारकानाथ गांगुली हैं जिन्होंने स्लेब ट्रेड इन इंडिया लिखा और इनके लेख संजीवनी बंगाली आदि में इन्होंने दोनों ही रामकुमार विद्यारत्न और द्वारकानाथ गांगुली एक बेहतर समाज का ध्यान श्रमिक वर्ग की चिंताओं की तरफ खींचा साथ ही इस दौर में हम ईसाई मिशनरियों के भी लेखन को पाते हैं जिसमें चार्ल्स डॉडिंग की किताब टी गार्डन कुलीज इन आसाम जो अट्ठारह में आई एक महत्वपूर्ण पड़ाव है लेकिन चाहे वह 19वीं सदी के उत्तरार्ध का समय हो या फिर प्रथम विश्व युद्ध के आसपास उसके बाद तक का समय हो यहाँ राष्ट्रवादी जो बौद्धिक वर्ग है उसके चिंता में मुख्य रूप से वही श्रमिक समाज है जो विदेशी पूंजी वाले उद्योग धंधों में काम कर रहा है उनका ध्यान उस श्रमिक समाज की तरफ हम नहीं पाते हैं जो कि भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा निवेशित उद्योगों में कार्यरत था तो यह एक आप कह सकते हैं कि ब्रॉड ट्रेंड हम देखते हैं लेट नाइन्टीन सेंचुरी अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी के नेशनलिस्ट कंसर्न्स की तरफ जब हम रुख करते हैं अब आते हैं 1920 का दशक या फिर कुछ पहले चले तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक मंदी का दौर रहा उसने श्रमिक वर्ग की तरफ राजनीतिज्ञों का और बौद्धिकों का ध्यान आकर्षित किया भारतीय संदर्भ में 1920 के दशक में बड़े उद्योगों में होने वाले हड़ताल या फिर 1926 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसी का परिणाम कह सकते हैं कि उन्नीस में रॉयल कमीशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन लेबर का गठन हुआ और 1930-31 में इस कमीशन ने मल्टी वॉल्यूम्स रिपोर्ट हमारे सामने रखे लेकिन यहाँ भी मुख्य सरोकार बड़े उद्योग और प्लांटेशन इकोनॉमी ही रहा गौन रूप से ही सही लेकिन सीजनल सामयिक और अनरेगुलेटेड श्रम की भी थोड़ी बहुत चर्चा हम इन रिपोर्ट्स में पाते हैं लेकिन इन रिपोर्ट्स ने इनके प्रकाशन ने श्रमिक वर्ग की तरफ अकादमिक शोध की जरूरत को रेखांकित किया और अकादमिक शोध शुरू हुए जिसमें पी एस लोकनाथन एस जी पनंदीकर ए सी चौधरी, आर के मुखर्जी एस एम अख्तर आदि के महत्वपूर्ण नाम हैं विदेशी एकेडमिशियंस में खासकर एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स में डेविड बुकानन और मार्गेट रीड इन दोनों के काम का असर काफी पड़ा और मार्ग्रेट रीड ने खासकर जो कृषक और श्रमिक के बीच क्या जो संबंध है उसकी तरफ हमारा ध्यान खींचा साथ ही दीवान चमन लाल एन एम जोशी सीबा राव आदि ने औपनिवेशिक नीतियों और शोषण प्रणालियों की तरफ शोषणात्मक जो एक्सप्लोटेटिव स्ट्रक्चर्स और पॉलिसीज़ थे उनकी तरफ हमारा ध्यान खींचा अगला पड़ाव इस इतिहास लेखन में स्वतंत्रता के बाद हम देखते हैं जब 1950 के नेहरूवादी औद्योगिकरण के पृष्ठभूमि में और पंचवर्षीय योजना के पृष्ठभूमि में श्रमिकों की तरफ इतिहासकारों का ध्यान जाना लाजमी था और यहां से जो एक नया ट्रेंड हमारे सामने आता है उसमें दो मुख्य सरोकार दो मुख्य धुरी आप कह सकते हैं एक तो यह इतिहास लेखन या यह विमर्श जो था वह आधुनिकता संबंधी सैद्धांतिक संकल्पना के इर्द गिर्द हो रहा था जिसमें भारत में औद्योगिकरण का अभाव जिसके कारण भारत में औद्योगिक श्रमिक वर्ग का अभाव आदि मुद्दे थे और दूसरा इसका धुरी था मार्क्सवाद मार्क्सवादी विचारधारा उसके मार्क्सवाद इतिहास की जो मार्क्सवादी समझ है उसके जरिए श्रमिक वर्ग के इतिहास की जांच पड़ताल तो जो इसमें पहला जो मुद्दा है जिसमें यह तर्क दिया जाता था उसकी अवधारणा यह थी कि भारतीय श्रमिक वर्ग दरअसल अपने को औद्योगिक परिस्थितियों में ढालना ही नहीं चाहते हैं तो यह अपने को औद्योगिक श्रमिक वर्ग के रूप में परिवर्तित करने में नाकामयाब रहा और इसीलिए भारत में जो जिस तरह से यूरोप में वर्किंग क्लास इमर्ज किया वह भारत में उसका उदय नहीं हो पाया तो एक तरह से कह सकते हैं कि सारा जो ब्लेम था वह भारतीय श्रमिकों के ही मथे यहाँ मर दिया जा रहा है तो इस तरह के इस तर्क से जनित जो इतिहास लेखन रहा उसकी उसका पुरजोर खंडन 1960 के दशक के अंतिम सालों की तरफ हम मॉरिस डी मॉरिस के शोध में पाते हैं जहां उन्होंने बम्बई के टेक्सटाइल मिल के वर्किंग क्लास के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए यह बताया कि श्रमिक वर्ग वहाँ कई पीढ़ियों से उस उद्योग में कार्यरत रहा इससे यह धारणा बिल्कुल खारिज हो जाती है कि वह बार बार अपने गांव लौट कर जाना चाहता है या इस वर्ग में अपने को औद्योगिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता नहीं थी या सांस्कृतिक जो अवरोध थे उसको लेकर जो तर्क थे वह भी उसका भी इन्होंने खंडन किया तो सांस्कृतिक अपरिपक्वता को इन्होंने कहा कि उसका कोई इंपिरिकल इविडेंस नहीं है लेकिन और इससे एक तो ये बात चर्चा के केंद्र में आ गई श्रम इतिहास के विमर्श में कि संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती है जीवन संस्कृति मतलब जीवन पद्धति मान्यताएं आदि सभी का समुच्चय लेकिन यहाँ अब भी संस्कृति दरअसल इकोनॉमिक फैक्टर के सबऑर्डिनेट ही उसके अधीन ही रखकर सांस्कृतिक पक्षों को देखा जा रहा था और एक बड़ा बदलाव जो अगला बदलाव हम पाते हैं वह 1980 के दशक में खासकर दो इतिहासकारों का नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा एक तो दीपेश चक्रवर्ती जिन्होंने बंगाल के जूट मिल के श्रमिक वर्गों के चेतना के ऊपर काम किया और दूसरा बंबई में टेक्सटाइल मिल मजदूरों के ऊपर रत्नागिरी से जो मजदूर आते थे या अन्य ग्रामीण महाराष्ट्र के अन्य ग्रामीण इलाकों से जो मजदूर आते थे उनके ऊपर राज नारायण चंद्रावरकर का काम ये दो ऐसे काम हैं जो कि भारतीय इतिहास में श्रमिक वर्ग के इतिहास में बहुत मानीखेज रहे दीपेश चक्रवर्ती ने बताया कि भारतीय संदर्भों में यदि हम श्रमिक वर्ग की चेतना का अध्ययन करना चाहते हैं तो पहले तो हमें जो एक यूनिवर्सल फ्रेम है उससे बाहर निकलना होगा और जिस यूनिवर्सल फ्रेम जो कि इंग्लैंड और यूरोप के बाकी देशों के इतिहास को एक मानक प्रस्थान बिंदु के रूप में मानता है और उसी के संदर्भ में अन्य किसी भी समाज को व्याख्यात करता रहा उस फ्रेम से उस चौकठे से हमें निकलना होगा और यहां इन्होंने बताया कि किस तरह से जो बंगाल में श्रमिक वर्ग की चेतना है वह इन मजदूरों के जहाँ से ये मजदूर माइग्रेट होकर इन जुट मिल में आते थे उनके अपनी मान्यताएं, उनका सामाजिक संदर्भ उनका सांस्कृतिक संदर्भ उन्हीं के भाषा में यह चेतना स्वरूपित हो रहा है तो जाति कित से कित और किन से टाइज ये मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों से बंगाल में प्रवासित माइग्रेट होकर आ रहे हैं तो उनकी जो चेतना है उसको समझने के लिए हमें उनके दृष्टि से उनके नजरिए से इस इन सामाजिक जो ताने बाने हैं उन्हीं के मध्य से हमें देखना होगा न कि किसी आरोपित वैश्विक फ्रेम के तहत इसी तरह से राजनारायण चंद्रावरकर ने दिखाया कि किस तरह से बंबई में जहाँ ये मजदूर वर्ग निवास करते हैं वहाँ उनका परोस, उनकी अपनी राजनीति की समझ उनके ऐसे सामाजिक नाते रिश्ते जो कि एक तरफ तो उनके ग्रामीण परिवेश के कारण बन रहे थे और दूसरी तरफ ग्रामीण और ये नए शहरी समाज दोनों के अंतर क्रियाओं से यह चेतना तय हो रही थी उनके सरोकार तय हो रहे थे तो यह एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु हमारे समक्ष आता है जहाँ की एक तयशुदा वैश्विक खांचों से बाहर निकलने की बात है जहाँ सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों ही पक्षों को एक समान तरजीह देने की बात है इसी के साथ हम अलग अलग क्षेत्रीय संदर्भों में जैसे अहमदाबाद कानपुर आदि के संदर्भों में श्रमिक वर्ग चेतना का इतिहास से रूबरू काम पाते हैं लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात अभी 1980 के दशक के बाद हमारे सामने आती है वह यह कि श्रमिक वर्ग का इतिहास महज महानगरों के या औद्योगिक संस्थानों के तक ही सीमित न रह गया दिलीप सिमियन ने धनबाद बिहार जो अब झारखंड है वहाँ के कोयला खदानों के मज़दूरों की इतिहास की पड़ताल की केर्ड ने रेलवे में जो कार्यरत मज़दूरों के इतिहास की बात की प्रभु महापात्र ने ईंट के भट्टों में जो कार्यरत थे मजदूर उनकी बात की तो एक तरह से कहें तो अब जो श्रमिक वर्ग का इतिहास है वह एक नया विस्तृत फलक अख्तियार कर रहा था एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तक्षेप जो हमारे सामने आता है वह जान ब्रीमन के काम में के साथ के साथ हमारे सामने आता जिन्होंने दक्षिण गुजरात के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया हम इस बात इस इस चर्चा को जारी रखेंगे अगले लेक्चर्स में भी तो यहाँ मैं छोटा सा विराम लेता हूँ और फिर आगे चर्चा अगले लेक्चर में हम 1980 के दशक के बाद से जो श्रमिक वर्ग का इतिहास जिस तरह से करवट ले रहा था उसकी बात करेंगे दो महत्वपूर्ण हस्तक्षेप जिन्होंने श्रमिक इतिहास के प्रकृति को एकदम अलग स्वरूप दिया भारत में दीपेश चक्रवर्ती और राजनारायण चंद्रावर के की बात मैं नहीं कर रहा हूँ वो हम कर चुके हैं जो जिनकी बात मैं करना चाहता हूँ वो हैं जॉन ब्रीमन और ज्ञान प्रकाश जॉन ब्रीमन दक्षिण गुजरात के संदर्भ में खासकर हाली प्रथा पर उन्होंने अपना शोध किया ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और एक लंबे समय तक करीब करीब दो दशकों 1960 से ही ये वहाँ काम कर रहे हैं उस इलाके में और इन्होंने हमारा ध्यान शहरी श्रमिक वर्ग से आगे ले जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिक वर्ग की तरफ दिलाया यह असंगठित श्रमिक वर्ग था यह सीजनल था और यह समाज के सबसे निचले तबके चाहे वह कास्ट की बात हो या क्लास की बात हो और यह एक बंधुआ श्रमिक वर्ग था लेकिन इसका माइग्रेशन ग्रामीण या आदिवासी इलाकों से शहर की तरफ न होकर आदिवासी इलाकों से ही ग्रामीण इलाकों में ही दूसरे ग्रामीण इलाकों में दक्षिण गुजरात और उससे सटे महाराष्ट्र आदि के जो शुगर केन इख के खेतों कपास के खेतों की तरफ हो रहा है और तो इस तरफ इसकी संश्लिष्टताओं की तरफ बड़ी मन हम, हमें ले जाते हैं यह जाहिर सी बात है कि लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर एक कृषक मजदूर के वर्ग को इतिहास में लाना है और उसकी संश्लिष्टता की बात है। इसी तरह दूसरी ओर मध्य बिहार के संदर्भ में ज्ञान प्रकाश वो वे ऐसे ही एक कृषक मजदूर जो लैंडलेस है उसकी तरफ और उससे जुड़े प्रथाओं की तरफ कीमियागिरी की तरफ हमारा ध्यान ले जाते हैं और इन दोनों ही के शोध से जो एक लंबे समय तक फील्ड वर्क आधारित शोध रहा उससे जो स्वतंत्र श्रमिक वर्ग और बंधुआ श्रमिक वर्ग के नए नए आयामों का उनके बीच के विरोधाभासों का इन विरोधाभासों के नए परतों का हमें की हमें जानकारी मिलती है किस तरह से ज्ञान प्रकाश बताते हैं कि अपने रीति रिवाजों में अपने धार्मिक प्रथाओं में मान्यताओं के द्वारा जो यह वर्ग है वह प्रतिरोध भी कर रहा है वह अपने नज़रिए से अपने मालिक के प्रभुत्व का उसके अथॉरिटी का को एक्सेप्ट इंटरनलाइज भी करता है उसको रेसिस्ट भी कर रहा है उस इस समाज में अपने उसके वर्शिप हैं उनके अपने वीर हैं जो उनकी तरफ से आवाज़ उठाते हैं और किस तरह से दैनिक जीवन के छोटी छोटी छोटे छोटे लम्हों में वे अपने अपनी चेतना का हमें एहसास कराते हैं वे प्रतिरोध करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत विस्तार में बहुत गहरे नहीं जा सकते हैं समय की कमी है लेकिन यहाँ मानिकेज यह है कि अब श्रमिक वर्ग का इतिहास महज शहरी ठिकानों में उद्योग धंधों में कार्यरत मजदूर ही नहीं रह गए हैं इससे पहले भी आनंद यांग ने दिखाया कि किस तरह से बिहार के संदर्भ में उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो कृषक वर्ग है जो हाशिए का कृषक वर्ग है वह शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन करता है और यह जो माइग्रेशन है वह ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में नहीं हो रहा है या एक अंचल से दूसरे अंचल में हो रहा है तो भारतीय श्रमिक वर्ग की जो एक पहले से तयशुदा अवधारणा थी कि यदि आपको भारतीय श्रमिक वर्ग का अध्ययन करना है तो जो औपचारिक जो फॉर्मल जो ऑर्गेनाइज वर्किंग क्लास है उसकी तरफ आप रुख करें वह भ्रांति अब टूटने लगी बहुत संक्षेप में ही सही दो तीन और भी बातों का मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा एक तो यही 1990 के दशक का के के आखिरी कुछ सालों में हम देखते हैं कि श्रमिक इतिहासकारों श्रमिक वर्ग के इतिहासकारों के लिए जेंडर का सवाल हमारे सामने महत्वपूर्ण रूप से सामने आता है खासकर समिता सेन की किताब जो बंगाल के जुट मिल के संदर्भ के इतिहास के संदर्भ में है और वहाँ हम पाते हैं कि इतिहास में या फिर श्रमिक वर्ग के आंदोलनों में महिलाओं की हिस्सेदारी उनकी उपस्थिति को सिरे से नकार दिया गया था जब जुट मिल में पुरुष मजदूरों की अवस्था रिलेटिवली उन्नत हो रही थी तो उसके साथ साथ उन पर आश्रित या उसी उद्योग में जो महिला श्रमिकों की भागीदारी उनका प्रतिशत कम होता जा रहा था जो ये गरीब महिला मजदूर थे उन्हें जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे वर्किंग क्लास को लेकर उनका भी समर्थन नहीं मिल रहा था जहाँ एक तरफ शहरी मध्यवर्ग पुरुष श्रमिक समाज को लेकर संवेदनशील था वहीं यही समाज या शहरी मध्यवर्ग की महिलाएं महिला श्रमिक वर्ग को बहुत हे दृष्टि से देखा करती थी उन्हें यहां तक कि वैश्या के रूप में देखा जाता था तो जेंडर ने जो अब तक श्रमिक वर्ग की चेतना थी या वह इतिहास था उसको एक तरह से कहें तो आप सर के बल खड़ा कर दिया हमारे सामने और नए चिंता नए प्रश्न हमारे सामने रख छोड़े इसी के साथ इतिहासकारों ने दलित समुदाय और श्रमिक वर्ग के बीच के अंत संबंध के इतिहास की भी पड़ताल शुरू की और इस सब का एक यह भी मोटे तौर पर आप कहें तो हम असर देखते हैं परिणाम देखते हैं कि जिसे सविशाची भट्टाचार्य ने अन्य संदर्भों में भर्नेकुलराइजेशन ऑफ लेबरिंग पुअर कहा ऑफ लेबर पॉलिटिक्स का, का वहाँ दरअसल हम पाते हैं कि भारतीय संदर्भ में यदि श्रमिक वर्ग के इतिहास की हमें अध्ययन करना है उसके उसकी प्रकृति को जानना है तो हमें यहाँ के सरोकार यहाँ के जो सामाजिक भाषा और सांस्कृतिक भाषा है वह वो जो वोकेबलरी है उसी के मध्य से हमें अपने विवेचनात्मक प्रश्नों को रखना होगा और उन्हीं के जरिए हमें नए संकल्पनाओं की तरफ कदम बढ़ाने होंगे न कि पहले से तयशुदा कुछ शास्त्रीय या वैश्विक मुद्दों के जरिए हम इस इतिहास की पड़ताल करें तो यहाँ हम अपना यह लेक्चर समाप्त करते हैं और आगे हम इसी श्रमिक इतिहास के अन्य पहलुओं जैसे कि जो ओवरसीज प्लांटेशन इकॉनमी में मज़दूरों का इतिहास है उस पर चर्चा करेंगे शुक्रिया